हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के सेशन में हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये 82वां वीडियो है 2024 फिजिकल एजुकेशन ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज मैंने कम्प्लीट कराया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने बीपीएससी तैयारी 2 में 79-80 वीडियोज़ का कंप्लीट सिलेबस का प्रैक्टिस कराया हुआ है। सभी वीडियोज़ को देखिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, जो आप डिमांड कर रहे हैं एमपी वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की, तो सिलेबस सभी का सेम होता है, बट उसके लिए भी मैं अलग से भी प्रैक्टिस जरूर कराऊँगी, लेकिन जो मैं करा रही हूँ डेली बेसिस पे उसको भी करते रहिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक का क्या कार्य होता है? लिगामेंट होता क्या है? तो दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जिससे दोनों हड्डी आपस में बंधे रहे। तो क्या करता है? ये जोड़ों के डिसलोकेशन को रोकता है, यानी अपने स्थान से खिसके ना। अगर लिगामेंट में चोट आती है, खिंचाव आती है, तो उसको स्प्रेन यानी कि मूस कहा जाता है। अब मांसपेशी और टेंडन में चोट या खिंचाव आती है, तो उसको स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है? तो इस बात को कहे हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल की गेंद दबाने पर कठोर लगती है? तो दोस्तों, वह खेल है सॉफ्ट बॉल। कहने में तो सॉफ्ट बॉल है, बट दबाने पर कठोर लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से वसा यानी फैट के पाचन में कौन मदद नहीं करता? तो यहाँ पे बाइल यानी कि पित्त रस है, जिसका निर्माण यकृत में होता है और स्टोर होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, और यह छोटी आंत के गॉल ब्लैडर के जो नली होती है छोटी आंत के डेडुनम में जुड़ा रहता है, और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की नली भी छोटी आंत के पहले भाग डोडिनम में जुड़ा रहता है, जिसमें से पित्ताशय से पित्तरस निकल करके डोडिनम में आता है, जहाँ भोजन में मिलता है, और भोजन में मिलकर ये वसा यानी फैट को पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है यह अमाशय यानी स्टोमच में जठर ग्रंथि से स्थापित होता है और जो वसा का पाचन करता है फैट का। लाइपेज जो है ये पित्तरस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है, यह पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है। तो बाइल जूस, गैस्ट्रिक लाइपेज और लाइपेज, ये तीनों जो है वसा का पाचन करते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन वसा का पाचन नहीं करता? एमाइलेज जो है यह पैंक्रियाज से स्रावित होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मनुष्य के लिए क्या घातक है? तो यहाँ पे एचडीएल एलडीएल की बात कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और एलडीएल हमारे बॉडी के लिए अधिक मात्रा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या घातक हो सकता है? तो यहाँ पर आपका घातक हो सकता है कि एलडीएल की मात्रा बढ़ जाएगा तब। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है दोस्तों? तो फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये सभी ग्राउंड में खेला जाता है, जबकि यह बिलियर्ड्स एक टेबल पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यहाँ पे विषम है, यह भारतीय राष्ट्रीय स्टेडियम है, जबकि ओलंपिक स्टेडियम बर्न नेस्ट पैनाथेनिक ए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। नेक्स्ट है, निम्न में से सीखने के नियम किसने दिया है? तो दोस्तों, थांडाइक ने दिया था, और थांडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो पेरू देश के, यहाँ पेरू के मनोवैज्ञानिक आपका राइट आंसर होगा। सीखने के नियम में थांडाइक ने मुख्य नियम तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट को दिया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांत हेतु रसिया का
पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो आपको दिया गया पावलोव को, इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संधि की चोट नहीं है? तो दोस्तों डिसलोकेशन हड्डी एक स्थान से खिसक जाती है, स्प्रेन और बर्साइटिस, ये सभी संधि की चोट है बट स्ट्रेन नहीं है, ये मांसपेशी और टेंडन की चोट है। नेक्स्ट है, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका दो पंप होते हैं, यानी कि जो हमारी हृदय का आवाज होता है लब डब इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है, हृदय कितने सेकेंड के लिए आराम करता है? तो हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जिसमें से 0.4 सेकेंड वो आराम करता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में टॉप स्पिन किसके कारण होती है? तो वॉलीबॉल में टॉप स्पिन जो है रिबाउंड करके कोर्ट को छोटा करने के कारण होती है। टेनिस खेल में अगर बॉल को कट या चॉप शॉट मारा जाए तो निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ पे स्पिन होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा 2026 में। नेक्स्ट है, अफ्रीका और एशिया देशों के मध्य होने वाले विशेष खेलों को क्या कहा जाता है? तो उसे एफ्रो एशियन गेम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल के खेलों में खेलों को कौन संचालित करता है? दोस्तों तो स्कूल के खेलों को भारत में SGFI स्पोर्ट गेम्स ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI का फुल फॉर्म होगा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यही संचालित करती है, इसकी स्थापना 1954 में हुआ। नेक्स्ट है, किसने एथेंस से ओलंपिक के आयोजन स्थल तक मशाल लाने की परंपरा शुरू की थी? तो कार्ल डाइम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक में शुरू किया था यह प्रथा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोट का उपचार आप स्वयं साधारण रूप से नहीं कर सकते? तो स्प्रेन, एब्रेजन, गुम्बर्ड का कर सकते हैं बट फ्रैक्चर का नहीं कर सकते। फ्रैक्चर मतलब हड्डियों का टूटना। नेक्स्ट है, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी किस चोट के बचाव के लिए सीन गार्ड पहनते हैं? तो दोस्तों गुम्बर्ड, जो एकाएक भारी वस्तु से चोट लग जाता है जिसे गुम चोट भी कहते हैं, तो उसके बचाव के लिए सीन गार्ड पहनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में समांतर सबसे अधिक फुट डिसलोकेशन होता है, पैरों का डिसलोकेशन? तो ये अक्सर दोस्तों जिम्नास्टिक में होता है, जबकि हमारे कंधे का डिसलोकेशन ज़्यादातर जूडो में होता है। डिसलोकेशन मतलब कि जो ज्वाइंट है अपने स्थान से खिसक के हट जाना। नेक्स्ट है, ब्लड प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज कितना होता है? तो ब्लड प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज 90% होता है, और जो प्रोटीन होता है 8% होता है, नमक 0.9% और कार्बनिक पदार्थ 0.1%, और 8% प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक, आहार संबंधित दवाइयों में कौन सा उत्तेजक सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है इन सभी में? कैफीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैफीन जो है विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्तेजक है, और यह चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक्स, अन्य कोल्ड मेडिसिन तथा डाइट से संबंधित दवाइयों में पाया जाता है, और एक कप कॉफी में इसकी मात्रा जो है 100 से 150 मिलीग्राम हो जाता है।
और कॉफ़ी लेने से 15 से 20 मिनट बाद इसका असर होता है। यूरिन में कैफीन की मात्रा अगर 12 यूजी प्रति एमएल से अधिक होने पर या डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में सबसे अधिक डिसलोकेशन नामक चोट लगती है? तो यहाँ पे जो गेम है उसमें जिम्नास्टिक में पैरों का डिसलोकेशन ज़्यादा होता है, जबकि जूडो में कंधे का। तो यहाँ पे जिम्नास्टिक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर मांसपेशी में मायोसिन का परसेंटेज 50 से 55 हो तो एक्टिन का परसेंटेज कितना होगा? तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है मसल्स में, एक्टिन के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मायोसिन की मात्रा 50-55% है तो एक्टिन का मात्रा 20-25% होगा। नेक्स्ट है, अगर अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा 20% हो तो वह श्वसन में लगभग कितनी होगी? तो दोस्तों, हम वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें से ये उसी मात्रा में हमारे अंदर जाते हैं श्वास लेते समय। तो ऑक्सीजन जाता है 20-21% वापस आता है वायु श्वसन में 16%, और नाइट्रोजन 78% जाता है, तो पूरा का पूरा कोई यूज नहीं होता है, पूरा का पूरा वायु श्वसन में बाहर निकल जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है जबकि बाहर आता है 4%। नेक्स्ट है, पल्मोनरी एडिमा नामक विकार निम्न में से किस में तरल पदार्थ रक्त भर जाता है? यह वायु कोष्ठक यानी जो एल्वोलाइज होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, अगर उसमें तरल पदार्थ रक्त भर जाता है तो उसे पल्मोनरी एडिमा नामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी नामक यंत्र द्वारा किस दौरान मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता मापी जाती है? तो दोस्तों, यह संकुचन के दौरान मापा जाता है, ठीक है, मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है। बट कब मापा जाता है? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट है, स्प्रेन नामक चोट घुटने, कलाई, अंटखने में निम्न में से कब लगती है? स्प्रेन, स्प्रेन मतलब लिगामेंट का टूटने से या अधिक खिंचाव से होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक मुड़ने वाली गति होने के कारण, ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, ठीक है, अधिक मुड़ने वाली गति होने के कारण। नेक्स्ट है, कई अभ्यास स्ट्रेस फैक्टर से संबंधित होते हैं जिससे हड्डियों में बाल आ जाता है या शरीर के किस अंग में अधिक लगती है? तो दोस्तों, यह पैर में ज़्यादा लगता है, स्ट्रेस फैक्टर किसमें अधिक लगती है? पैरों में। और यही स्ट्रेस फैक्टर जब पैर के टखने में लगती है तो उसको मार्च फैक्टर कहते हैं, जो पैरों के पंजों का ज्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल हड्डी में बाल या लाइन फैक्टर आ जाता है। और इसी स्ट्रेस फैक्टर का मार्च फैक्टर नाम कैसे पड़ा दोस्तों? 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया, जिसके कारण इसका नाम मार्च फ्रैक्चर पड़ा। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा से संबंधित अवधि के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों, कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? तो एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है शरीर की तरफ उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हृदय की एक धड़कन में जितना रक्त पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, वह लगभग 70 ml होता है। और हार्ट रेट आपका प्रति मिनट 72 होता है, 70-72 का आपका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका 5040 ml यानी कि 5.04 liter आपका राइट आंसर होगा। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, और एक मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 5 liter के बराबर। नेक्स्ट है, निम्न में से यह कथन किसके लिए सही है? ऐसी मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
तो यंत्र की तरह कौन काम करता है दोस्तों? तो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शारीरिक अंग फ्लैट बैक से संबंधित है? तो दोस्तों यह हमारे लंबर वाला कमर वाले भाग में जब ज्यादा वक्र होता है तो उसको लार्डोसिस कहते हैं, और जब वो वक्र एकदम ही बहुत कम ही एकदम कम रहता है तो उसको हम फ्लैट बैक कहते हैं। ठीक है, ये कमर वाले भाग में होता है, जैसे हमारा फ्लैट फुट होता है, पैरों के तलवे में कोई भी वक्र नहीं बनता, एकदम सपाट समतल हो जाता है, उसको फ्लैट फुट कहते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वक्र बन जाता है, गड्ढा जैसा हो जाता है, तो उसको क्ले फुट कहते हैं। उसी तरह जब हमारे कमर में ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, कर्व होता है, उसको लार्डोसिस कहते हैं। और बहुत कम गड्ढा होता है, बराबर सपाट जब होने लगता है, उसको फ्लैट बैक कहते हैं, जिसे सीधे खड़े होने में दिक्कत होता है, पैर दर्द होता है। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग फेफड़ों में भोज्य पदार्थों का नहीं जाने देता? दोस्तों हमारे जो लैरिंग्स होती है, कंठ होता है, वहाँ पे एक एपिग्लोटिस होती है जो भोजन नली और श्वास नली दोनों को कंट्रोल करता है। जब हम भोजन खाते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है या ढक्कन जैसा होता है, जिससे फेफड़ों में श्वास नली में भोजन नहीं जाता। कभी कभी अचानक से चला जाता है तो आपको बहुत तेजी से छींक आती है और जो भोजन होता है नाक के द्वारा बाहर निकलने लगता है, और कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू किया? तो वो थी आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो विदेशों में बात करें तो विदेशी औरतों में एनी बेसेंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विद्यालयों के खेलों के विकास के संबंध में भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया था? तो वह संस्था था SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दो प्रकार होते हैं विटामिन, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील विटामिन बी सी और एच होता है, उसके अलावा सभी वसा में होता है। तो बी सी एच और वसा में घुलनशील ADEK या KEDA आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट होगा बी, ठीक है, विटामिन बी आपका पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है, हमारी लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है दोनों तरफ जबड़ों की तरफ, तो उससे टैलिन नामक एंजाइम निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट है, इनमें से वॉलीबॉल खेल से क्या संबंधित है? तो दोस्तों बोनस लाइन कबड्डी से संबंधित है, बक लाइन कबड्डी से संबंधित है, गोल लाइन ये आपका हॉकी फुटबॉल आदि से संबंधित है, अटैक लाइन आपका क्या है? वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हृदय के किस भाग में महाधमनी जुड़ी रहती है? तो महाधमनी यानी एरोटा किस भाग में जुड़ी रहती है दोस्तों? बायां निलय में। कहां से जुड़ा रहता है? बाएं वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों आइसोमेट्रिक तो स्थिर गति होती है, इसमें कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देती, स्थिर गति भी नहीं होगा, स्टैटिक गति भी नहीं होगा। यहाँ पे आइसोमेट्रिक गति जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित होती है, जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती दोनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में एक टीम में पुरुष व महिला दोनों रहते हैं? तो दोस्तों कॉर्फ बॉल ऐसा है जिसमें पुरुष महिला दोनों साथ साथ खेलते हैं। नेक्स्ट है, तैराकी की कितनी शैलियां होती हैं? तो चार मुख्य रूप से शैलियां होती हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जिसमें सबसे तेज गति होती है फ्री स्टाइल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी है? तो गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी है बलबीर सिंह ने। नेक्स्ट है, ओलंपिक में एथलेटिक की एक स्पर्धा में एक देश से कितनी एंट्री कर सकते हैं? तो एक देश से केवल 3 खिलाड़ी ही एथलेटिक्स में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फॉरेनहाइट होता है? तो
सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है, बट यहाँ 98.4 फॉरेनहाइट दिया है, तो वही राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मुख्यतः किसके कारण थकान होती है? तो दोस्तों आप सबको पता है लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट है, ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो उद्घाटन की घोषणा राष्ट्रपति या मेजबान देश का अध्यक्ष करता है, जबकि समापन की घोषणा जो है आपका आईओसी का अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल के दौरान अगर बॉल गोलकीपर के पैड में फंस जाए तो मैच पुनः कैसे प्रारंभ होगा? तो इस कंडीशन में मैच जो है बूली के द्वारा प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, ऊंची कूद का लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5×6×4 मीटर होता है, वैसे 5×5 मीटर होता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। इसी प्रकार आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।